Boarding is done. Yes. Baby, are you excited? Your first time in the airport. Your first security check. ये हमारा security check हो गया. Yes. हमने सोचा था कि बच्चे के साथ जा रहे हैं, बहुत hectic होने वाला है. But actually बच्चे के साथ बहुत फायदा करा दिया. फायदा हो गया. हमारी special line मिली, family line. बहुत छोटी थी वो. फटाक से हमारा number आ गया. तो भाई जैसा कि अभी तक आपने देखा, अभी तक का हमारा सफ़र बच्चे के साथ बहुत अच्छा जा रहा है. और ये ब्लॉग मोस्टली आई थिंक उसी के लिए होगा कि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आती हैं और क्या फ़ायदे होते हैं. तो पहला फ़ायदा तो हमें नज़र आ ही गया कि लाइन, सिक्योरिटी लाइन में बहुत ईजीली आप क्रॉस कर सकते हैं. और या आई थिंक अब देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है, फ्लाइट में कैसा रिएक्ट करता है. एक अच्छी थिंग है यहाँ पे, ये जो पॉड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पॉड है मेरे पीछे, ये वाला पॉड जो मेरे पीछे इतना बड़ा सा पॉड दिख रहा है, ये वाला, हाँ वो वाला, आई लव दिस. रचना के पीछे जो है, तो रचना बता रही है कि ये वर्ल्ड में पहला एयरपोर्ट है. नहीं, वर्ल्ड में, यूएस में, बट हाँ ये सबसे पहला एयरपोर्ट है जिसमें ये पॉड इंस्टॉल हुए हैं. ये पॉड इंस्टॉल हुए हैं और दिस इज़ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर पम्पिंग फॉर ममास, तो विच इज़ वेरी गुड. तो आई थिंक हमारे लिए फ़ायदेमंद है. ये गाइस हो रहा है हमारा, गाइस ये हो गया हमारा स्ट्रोलर पैक. तो हम स्ट्रोलर को गेट चेक करा रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स प्लेन में तो ये जाएगा नहीं, तो विकास यहाँ पे लगे पड़े हैं इसको पैक करने के लिए. हमने लास्ट मिनट पे इसका बैग ऑर्डर किया था, हमें एक फ्रेंड ने बताया था कि आप बैग ज़रूर लेना वरना वो स्ट्रोलर को पटक पटक के तोड़ देंगे. और ये देखिए, ये ऐसे लग रहा है कि स्ट्रोलर के व्हीकल लेस हो गए हैं, ज़मीन पर बैठे हैं. तो गाइस बेनिफिट नंबर टू, फैमिली बोर्डिंग लाइन. यस, तो बड़ा मजा आ रहा है. वी कैन प्री बोर्ड, यहाँ पे फैमिली बोर्डिंग लाइन होती है जो जो छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, अराउंड आई थिंक 4 साल से छोटे बच्चों के साथ, उनको ये बेनिफिट दिया जाता है. तो लेट्स सी. तो हमको सबसे पहले प्लेन में जाने का मौका मिलेगा, और क्योंकि साउथ वेस्ट है इसलिए सीट डिसाइडेड नहीं होती, तो हमें सीट भी चूज करने का मौका मिलेगा. यस, दैट्स अ गुड बेनिफिट. लेट्स गो. लुक्स लाइक वी आर सुपर एक्साइटेड इन द प्लेन, राइट वीर? आई एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है भाई. सो गाइस वीर सो चुके हैं, अभी प्लेन चलना भी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही सो गए थे. और जस्ट अभी प्लेन चलना शुरू हुआ है, आगे वाला बच्चा थोड़ा सा बहरा रहा है, बट हमारा बच्चा सो चुका है. लेकिन मैंने पैसिफायर रेडी रखा हुआ है, जो मैं इसके अभी जैसे ही प्लेन थोड़ा सा ट्रैक पे आएगा मैं इसको पैसिफायर दे दूँगी, जो इसके प्रेशर ना पड़े ईयर्स पे. रेडी हैं, मेरे को तो अपने प्रेशर की चिंता हो रही है, मुझे लग रहा है मेन कान पे प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा. और विकास एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड. ओके कूल, लेट्स गो टू ऑलिन हवाई मूड. ओह यस, आंदो माय टाइप, आंदो माय टाइप. ओके लेट्स गो. The site that has the islands on it, that's mandatory, the agricultural site, the so guys हम लोग सक्सेसफुली लैंड कर गए. अभी भी सोता रहा लैंडिंग के टाइम, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इसमें. थोड़ी देर 2 मिनट के लिए थोड़ा मचला था, वो पता नहीं मैंने नींद से जगाने की कोशिश की इसलिए, या सीट में बैठाने की कोशिश की इसलिए, या फिर ईयर प्रेशर था इसलिए, बट हम लोगों ने हर चीज़ ट्राई करके फाइनली इसको सुना दिया. तो गाइस वी आर वेटिंग फॉर आवर उबर, अभी बस 2 मिनट में यहाँ पहुँच रही है और बड़ी सस्ती है, $20 में होटल पहुँचा देगी. बस वो हमारा लगेज रख ले, कहीं ये ना बोले बहुत ज़्यादा लगेज है. सॉरी, आई कैन नॉट टेक यू गाइस. हे गाइस, तो हम आ गए हैं अपने होटल में और हमने चेक इन कर दिया है, लेकिन रूम अभी रेडी नहीं है क्योंकि हम बहुत ही सुबह अर्ली पहुँच गए हैं. तो हम लोग यहाँ पे अराउंड 11:30 पहुँच गए थे और हमें बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं. तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने रूम का, जैसे ही वो रेडी होगा दे विल मैसेज अस और हम लोग अपने रूम में चले जाएंगे. तब तक हम यहाँ बैठे हैं, एक्चुअल टाइम जो होता है चेक इन का वो 3 PM होता है, तो मैक्सिमम 3 बजे तक हमें रूम मिल जाएगा. तो गाइज हमारी जर्नी एक्चुअली बहुत अच्छी रही वीर के साथ, फर्स्ट जर्नी उसकी, फर्स्ट फ्लाइट थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, बहुत ही अच्छी रही हमें. आई डोंट थिंक कोई इश्यू हुआ,
उल्टा उसी वजह से भी फ़ायदा ही हो गया, हम लोगों को सिक्योरिटी लाइन क्रॉस थी पूरी एकदम से फटाफट क्रॉस हो गई, हमको प्रेफर्ड लाइन में डाल दिया गया वीर की वजह से। और फिर इवन गेट पे जब बोर्डिंग होती है तो हमको फैमिली बोर्डिंग लाइन में फटाफट बाकी लोग बाकी कस्टमर जो थे बाकी जो लोग थे उनसे पहले सीट मिल गई, तो हम अपनी मर्जी की सीट भी चूज़ कर पाए। और क्योंकि हमने वीर की सीट बुक करी थी उसको प्रॉपर आराम से वो कार सीट में सोते हुए आया, उसको टेक ऑफ के टाइम पर प्रॉब्लम नहीं, वो सोता रहा और लैंडिंग के टाइम भी वो सोता रहा। थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था क्योंकि मैंने सोचा उसे पैसिफायर दे दूँ, उसकी वजह से थोड़ी इसकी नींद खुली तो क्रैंकी हो गया था, बट ही एडजस्टेड वेरी सून। और ओवरऑल अच्छा था, मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। तो आई थिंक अभी तक हमने वीडियो में बताया नहीं है कि हम लोग कहाँ आए हैं, तो आसपास की जगह देख के और अब तक का सफ़र देख के अगर आप लोग गेस कर सकते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है हम कहाँ आए हैं। ये वीर का फर्स्ट ट्रिप है तो हम बहुत ही स्पेशल और अच्छी जगह पे हैं, दिस इज़ फॉर श्योर, दैट्स अ हिंट। तो आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए अपने गैसेस और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम एक्चुअल में कहाँ आए हैं। अभी तक आपको मुझे लगता है थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा, बट अगर नहीं मिला तो कीप गेसिंग अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। So please make sure to subscribe our channel and put the comments in comment section below or give a big thumbs up if you like this video. और हम आपको शेयर करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में अपना पूरा ट्रिप, अपनी वेकेशन और अपना एक्सपीरियंस एक छोटे से बेबी के साथ। तब तक के लिए बाय। हम लोग ढूंढते हैं कुछ खाने पीने का यहाँ पे, तब तक हमें रूम मिलता है और आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।